ये हमारा शेर हो रहा है। आज हम जा रहे हैं गुफा वाले मंदिर जो कि है हमारा प्रीतिवार में। तो भाई कितने देर पहुँच जाएंगे हम? भाई हमारे यहाँ से 5 पड़ता लगभग, मान के चलिए आप 20-25। भाई निकालना निकाल, दोबारा निकाल। क्योंकि एम्बुलेंस की आवाज़ आने वाली। अरे जादू ड्राइवर हमारा भाई कैसा लगा आपको? भाई कैसा लगा? जूते उतार दो भाई यहाँ पर। भाई जूता तो उतारने की पर्ची उठती ऐसी है। फ्री कितना नंबर है? ओके भाई आ जाइए। अच्छा तो भाई जूता उतार के यहाँ पे अपना हाथ पाथ धो लो। ये हमारा गुफा वाला मंदिर। आओ इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से कट मत छोड़। फ्रेंड्स आप लोग अगर यहाँ आए ना तो पहले ये मंदिर घूम गए यहाँ से। रोहित वाला बेटा तुमने नहीं खींची ना, कोई बात नहीं। अरे गाइस ये मेरे घर दोस्त, इन्होंने मेरे से 2-3 फोटो खिंचवा दी। और अब आइए भाई चलना ऊपर चलते हैं। यही चलना है। नहीं 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 इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। कहाँ से है? मजा आ रहा है ऋतिक? ऋतिक हाँ भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई, कैसा लग रहा है जादू भाई? अब मंदिर में फोटो खींचना सबको मना है। हम तो खींचेंगे। आओ यहाँ से सेल्फी लेते हैं पीछे। अगर ऋतिक पूरे ब्लॉग में सब कुछ कवर होगा ठीक है, तो बने रहना वीडियो में। गणपति पप्पा मोरिया गाजी जंगल बगल में भाई पूरा कवर करने सारे ठीक है। आओ इधर इधर। अरे रे तुम ऐसे नहीं ले जाओ, आ जा पकड़ लिया। आ जा आ जा, डर नहीं, आ जा आ जा। नहीं नहीं डरा नहीं, आ जाओ। हां तेरे से फोटो खींचूंगा तेरे से पकड़। भगवान हमारे जादू को बहुत अच्छा लगा। दे दे मेरे पास ले। मैं उन्हें डैडी के सामने भी डर रहा है। देखो देखो आ जा छोड़ दे। चले तो भाई चलते नीचे। गिर मत जाइए पीछे। आप फोटोग्राफी करना मना है, पर हम फोटोग्राफी फिर भी कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। हमें ब्लॉगर, हमें सब कुछ दिखाना है आपको कि मंदिर कैसा है, मंदिर में क्या क्या कौन सी जगह पर स्थित है ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पर 2 हिरण देख सकते चलो। ये शुरू हो रही हमारी गुफा यहाँ पर, छोटी गुफा है। गुफा जैसा कि देख सकते हो काफी अच्छी बनी हुई है।
तो जैसे कि हमारी गुफा थी, हमने सोचा था इसमें कुछ हमें बर्फ वगैरह देखने मिलेगी, पानी वगैरह देखने मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, बस नॉर्मल सूखी हुआ है। ठीक है, पंडित जी ने मना किया था फोटो वगैरह के लिए, पर फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ यस, पर भाई पर हमें आपके लिए बाकी सारा देख सकते हैं, अच्छी जगह लग रही है यहाँ पर। जैसा कि ये भी एक गुफा है, बाकी देख सकते हैं। ये तेरे लिए भाई, हम तो जाएंगे इससे। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको अंदर? हमें लगा था इसमें पानी वानी मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हम तो पानी को तरस गए। ये हमारे भोलेनाथ हरण मार गए। जय भोले। तो ये पेड़ है, इस पे मान्यता बनी हुई कि अगर तुम दालचीनी बांधोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। हमारे मतलब पूरा एनवायरनमेंट देख सकते हो यहाँ पे, तो वही इश्यूज भी होते हैं यहाँ पे। हनुमान जी तो खींचना गेट पे। फाइनली आ चुके हमारी शेर वाली गुफा, जिसके वजह से इस मंदिर का नाम फेमस है, शेर वाली गुफा या गुफा वाले मंदिर। ये हमारा शेर और वो पीछे हनुमान जी। बाकी देखो, शायद तुम्हें यहाँ पे मिले पानी। पानी नहीं है शायद। पानी नहीं है। चलो जैसे कि हम बाहर का देख रहे हैं, बाहर का नजारा ये देखिए। चलो चलते हैं अंदर, ढूंढते हैं ये अंदर। अंदर निकल लिए हम भाई, मुझे तो ले आ गए। चलो चलते हैं। पानी नहीं है यहाँ पे। अभी अंदर होगा। फाइनली यार यहाँ पे पानी नहीं है। हम सोच रहे थे पानी मिलेगा, गर्मियों में पानी मिलता, लेकिन सर्दियों में पानी निकाल देते हैं यहाँ से। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, इसलिए पानी निकाल दिया यहाँ से। बाकी पता, अगर तुम गर्मियों में आओगे ना और यहाँ पे थोड़ी भीड़ मिल जाए तो तुम्हारा दम भी उठ सकता है यहाँ पर। अच्छा, अगर धक्का मुक्की होगी तो? नहीं नहीं, धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ब्लॉकर भी हम हो चुके हैं चोर। नहीं नहीं, अभी बाहर निकलते हैं। हमारे सामने संतोषी माता, जैसा भाई प्रसाद मिल चुका है हमें, मिश्री जोत चल रही है। इधर दिखा दीजिए ये प्रसाद, हम खाएंगे। अब जय माँ काली, तेरे बच्चे ने कभी खा ली। फाइनली मंदिर तो हम घूम चुके हैं, बाकी अब चलते हैं एक बार ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। उस साइड चले जाएंगे। अब हम जा रहे हैं नंदी जी के पास जा रहे हैं, जो भोले जी की नंदी हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में, देखती है गाइस, हम आपको बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, जितना हम दिखा सकते हैं आपको दिखाएंगे। अब हम जाएंगे नंदी जी के पास और अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे। महादेव सुनाए, कैमरा मैन की आवाज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि हमने सुना है कि नंदी जी की, नंदी जी के कान में जो भी कुछ बोला जाता है वो सच हो जाता है। हम भी आज बोलेंगे, देखते हैं क्या हम जो बोलते हैं वो सच होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे यूट्यूबर साहब ने जय श्री राम बोला, कुछ जय श्री राम, कुछ लोगों की आवाज़ आई, बाकी सब शर्मा गए। एक नारा और लगाते हैं, देखते हैं दम के साथ लगेगा। कौन है यहाँ पर सच्चा राम भक्त? हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। कोई नहीं, बच्चों के अलावा कोई नहीं यहाँ पर, मैं बोल पाया।
देखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि हम फाइनल गाइस हम पहुंच चुके हैं नंदी जी के पास। फाइनली कुछ तो हिम्मत बड़ी लोग तो ये हम स्तंभ पर आ चुके हैं भोलेनाथ जी के। हम ऊपर भी चलेंगे। आपको यहाँ चलो तो गाइस चल रहे हैं ऊपर, ऊपर से देखते हैं शिव जी को पूरा ऊपर से। ठीक है ये भाई बीच में चलिए फोटो ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसे हम निकलते हैं सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे हैं। अद्भुत है भाई, अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम। ये हमारे डब्लू भाई, ये लोग इन्हें डब्लू ब्लॉक में रहते हैं, इन्हें डब्लू भाई जी के नाम से जाना जाता है और डब्लू बाउंसर के नाम जाना जाता है, क्योंकि आज के लिए इन्होंने जिम स्टार्ट कर चुके हैं। ये पूरा बैकग्राउंड दिखाना नीचे तक का। ये देखिए गाइस हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए आराम से गिरना है, बहुत हाइट है, हाइट बहुत है, इसीलिए आप देख सकते हैं। यहाँ से पानी चढ़ाते हैं शिवलिंग का, एक प्रसाद मिश्री का, हम बैल बजाएंगे। नंदी जी बैठे हुए हैं, तो हम उनके पास जा रहे हैं। भाई हट जाना, आराम से, आराम से। तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसलिए थोड़ा समझ के आइएगा, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार यहाँ का व्यू दिखा दे भाई, वो सामने गणेश शिव दिख रहे हैं। वैसे अच्छा व्यू बना रखा है यहाँ से, यहाँ पे शिव जी पूरे और साइड गणेश जी और सामने हनुमान जी। अपने ऋतिक भाई, जादू भाई, चलो आप आगे, जो भी आपको मनोकामना है पुनंद जी का बोल सकते हैं। और हम तो नीचे उतर रहे हैं, एक बार और नारे लगा के देखें कौन कौन बोले जय श्री राम। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोग शर्मा ही रहे। हाँ तो मत बोले, हम गए थे प्राचीन हनुमान मंदिर पे जो कि हमारा कर्नाटक। अब हम तीनों भाई लेंगे एक सेल्फी। तो पता है वहाँ पर हम जय श्री राम बोल रहे हैं, तो मतलब जो एक बंदा बोल रहा है जय श्री राम, पीछे सारी भीड़ बोल रही है जय श्री राम, और हमने इस मंदिर में बोला जय श्री राम, तो मतलब पहले तो बोलने लगे बच्चे बच्चे, ठीक है। और हम लेंगे अब तीनों भाई सेल्फी। एक तो बड़े शुरू हुए, फिर उसके बाद थोड़ा देखते लोगों में कॉन्फिडेंस आया, फिर बोलना स्टार्ट कर लोगों ने जय श्री राम। चलिए बाहर निकलते हैं। चलिए दर्शन हमें बहुत ही अद्भुत हुए। और इन भाई ने नारे लगाए थे जय श्री राम, जय श्री राम भाई सभी को। यहाँ पर आप सामने जो देख रहे हैं भीड़ हो रही है तो भाई, जैसे कि मंदिर पूरा घूम चुके हैं, अब चलते हैं हम अपने घर। सामने जैसे ये भीड़ देख रहे हैं प्रसाद वितरण, यहाँ से आप पैसे लेकर प्रसाद खरीद सकते हैं, बिना पेमेंट के आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। और हमारी एक बात और, मंदिर में फ़ोटो खींचना सख्त मना है, ठीक है, ये आप मत करना। तो जो भी यहाँ पर है फ़ोटो वोटो मत खींचना, सीधे ब्लॉग बनाना हमारी तरह, ठीक है। बाकी एक बार घूम लेते अंदर भी आओ। ये देखिए भाई, आओ एक बार नंदी के कान में कुछ और बोल लेते हैं। यहाँ पर भी नंदी जी हमारे भाई तो भाई कुछ बोल रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया,
ओके 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 जैसा कि यहाँ पे अभी बोला गया फोटो और वीडियो नहीं बनानी, पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। फाइनली आ चुके हम बाहर, ठीक है। तो भाई कैसा लगा आपको मंदिर में घूम के? अजय भाई कैसा लगा? बहुत सही लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब लेंगे हम अपने जूते। भाई लाओ देखना 9 नंबर के जूते। जूतों की सेवा बिल्कुल फ्री है भाई। नाम क्या? किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं यहाँ पर नहीं भाई। मंदिर हम घूम के आ चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निर्माणी बार ITO मदर डेयरी। चलो 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 चलो।